एक पकड़ा गया। सिद्धार्थ बता कहाँ पे आ गए हम? हम आ गए नई टंकी के पास। गेट खोलो, गेट खोलो। आपको बताया था ना मैंने दूसरी चीज क्या देखूंगा। नहाने भी जा रहा हूँ तो अभी गाइस यहाँ पे कपड़े बिखरे पड़े हैं। ये देखो गाइस, आप सोचे होंगे नीचे क्या डाल रखा है, तो मैंने गाइस इन्हें डाल रखी है मैंने, तो काफ़ी ठंड होती ज़्यादा, तो पापा कहते हैं नीचे इन्हें डालनी चाहिए क्योंकि ठंड से थोड़ा सा बचाव हो चुके। ये देखो हमने एक टी शर्ट और एक पैंट डालेंगे दोनों। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं बढ़िया सी, ये नहीं दूसरी वाली दिखाऊँगा, पहले जो आपको ये दिखाता हूँ कि कल हमने पापा मैं गाइस ये घर पर काम किया था। आपको दिखा दूँ मैं ये, इस पहले आपको ये वाला दिखा दूँ कैसे था। तो गाइस इसमें थोड़ी सी आपकी दरार दिख रही होगी ना ये वाली, तो हमने ना पापा मैंने तो हम ये वाली बंद की थी। ये देखो गाइस ये रही। इस आप सोच रहे होंगे इतना व्लॉग कम क्यों करते हो, तो गाइस दिक्कत है कि आपको अच्छे अच्छे व्लॉग दिखाऊँ, ऐसे बेकार से व्लॉग नहीं दिखा सकता गाइस आपको। मैं मेरा मन नहीं करता कैसे आपको अच्छे अच्छे व्लॉग दिखाऊँ ना, तो आप खुश हो जाओ कि इस बंदे को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये सुनाकर आ चुके हैं, हमने जूते पहने बाकी अभी मेरे, ये देखो हमने जूते भी पहन लिए। तो यहाँ पे सिद्धार्थ भी आ चुका है, यहाँ पे बहन बैठी है और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट। ये देखो कितना शोर मचा रहे हैं। और गाइस हमने बाल भी सेट करने हैं, ऐसे करो जाए ऐसे करो। तो और मैंने ना पहले ये देखो हमने ना गिरदाड़ी के बाल कटवा कराया था। कैसे लग रही सिद्धार्थ, कैसे लग रही है मेरी? थोड़ी सी करा लेते ना। क्यों? क्योंकि थोड़ी पूरी गंदी हो जाती दाढ़ी। तो गाइस मेरे दाढ़ी यहाँ पे बाल नहीं आते, इसमें आते हैं, इसमें थोड़े से कम आते हैं। ये तो गाइस इसमें थोड़ी ज़्यादा, ये थोड़ी कम है ना, ऐसे ना पूरी आई नहीं दाढ़ी में। और दोस्तों क्या हाल चाल आपके? सिद्धार्थ पूछ रहे हैं। नो नहीं गाइस, मैडी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। ऐसे मजाक करो, कभी कभार फन भी होना चाहिए, फन है तो सब कुछ है। सिद्धार्थ 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 ये सिद्धार्थ वो उसकी पार्टी टीम है सिद्धार्थ की। सिद्धार्थ तेरी टीम है? और किसकी? दीपू की टीम है। दीपू तुम्हारी टीम है? कौन सी टीम है? कौन सी टीम है? मैं ऐसे नहीं कह रहा, किसकी टीम है, क्या करती है, क्या करती है टीम? मैच खेलती है। मैच खेलती है, क्रिकेट खेलती है। सो गाइस दीपू की बॉल ऊपर चढ़ेगी थी तो ये अभी उतारने गया था, तो गाइस उसको दीपू को नीचे उतारता हूँ मैं। गाइस मुझे ये डालना था। ये देखो कंगा भी आ चुका है, मैं इसको पकड़, फिर दीपू को नीचे उतारते हैं। चला ओ चाचा ओ गुदा। गाइस चलते हैं हम सिद्धार्थ और मैं घर से रवाना होते हैं। तो गेट बंद करते हैं अभी। और गाइस ये हमारे गांव के लोग खड़े हैं मेरे सामने। नाम है आत्मा, सबको मारते हैं थप्पड़। मैं नाम सुधार, सबकी रात की नींद उड़ाता है जिस कुत्ते। ओ अरे यार क्या डायलॉग मारा है, अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा। यहाँ पे टेम्पो अड्डा है, टेम्पो अड्डा और रिक्शा। रिक्शा नहीं है गाइस, यहाँ पे तो होटल है, होटल पे कोई टेम्पो रोकता है। टेम्पो नहीं, यहाँ पे टेम्पो अड्डा है, रिक्शा यहाँ पे बोलते हैं इसको। आपको बताया था ना मैंने दूसरी चीज क्या दिखाऊंगा। और गाइस फाइनली यहाँ पे आए थे गुरुद्वारे, तो अभी आपको दिखाने आया था कि हमारे गाँव में 2-3 गुरुद्वारे हैं और एक मस्जिद है। तो सिद्धार्थ कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो गाइस ये बड़ा वाला गुरुद्वारा है, पीछे देख सकते कितना बड़ा एरिया, तो अभी न्यू बन रहा है क्योंकि ये अब इसको वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो गाइस पीछे मेरे जो रोटी बनाने वाली जगह है न्यू बना रहे गाइस, दो गाइस जो मकान होते हैं जो कमरे होते हैं न्यू बना रहे हैं। ये इसका व्यू
गाइस ये देखे कितना बड़ा कढ़ाई है नहीं ये बहुत भारी गाइस बहुत भारी पूछ नहीं मत इतनी भारी है ना मैं देख के थोड़ा सा आप सोच रहे हो कितनी बड़ी है। और यहाँ पे गाइस तवी पड़ी है रोटी बनाने में यहाँ पे एक पटे तवी पड़ी दाल बाटी इसका माफ करो यार कितना बड़ा इसको उठाना बड़ा भारा गाइस आगे चलते हैं नहीं अब थोड़े और आगे चलते हैं। तो गाइस ये है मेन गेट यहाँ से अंदर होते हैं तो माथा टेक कर फिर घर पर आ जाते हैं। हाँ अजदाद क्या बोल रहा था कि ये गुरुद्वारा बंद क्यों पड़ा है बंद इसलिए पड़ा क्योंकि अभी इसका टाइम नहीं हुआ है हम के 6 बजे पाठ होता है तो हम कभी कभार चले जाते हैं। सिद्धार्थ बता अब कहाँ पे आ गए हम आ गए नई टैंकी के पास। यस ये रही इस आपको थोड़ा सा पहले दिखाया था व्यू पहले बन रही थी आप पूरी दिखाता हूँ मैं गाइस कितनी बड़ी टैंकी कम से कम जो पुरानी टैंकी से पुरानी टैंकी बुढ़ी होगी थी अब पुरानी टैंकी तो निकी देगी थोड़ी जितनी पुरानी टैंकी बड़ी देगी थी तू वो तो बड़ी छोटी है ये बड़ी है क्यों है ये अभी बड़ी है ना इसको तो अभी थोड़ा सा बड़ा किया उसको नहीं किया था थोड़ा घट पर क्या हैं थोड़ा बड़ा कितना हां थोड़ी बड़ी टैंकी है हां तो थोड़ी छोटी है और छोटी है ये वाली बड़ी है टैंकी है वो वाली कूल में है थोड़ी जी नहीं ज्यादा बड़ी है तो उनदे तो ओ प्राणी देंदे तो थोड़ी जी निकी है ये बड़ी है तो गाइस ये जीत की नई टैंकी वाली हम कंपेयर कर रहे थे कौन बड़ी है तो सिद्धार्थ कहता ये वाली बड़ी है वो वाली छोटी है मैंने कहा ओके सिद्धार्थ चलें तो इसको दे चल लाइन जो होती है वो लग रहा है मुझे और गाइस मैं अभी खड़ा हूँ अपने गांव के एंड तक तो गाइस यहाँ से फसलें होती हैं और यहाँ पे सिद्धार्थ देखो क्या कर रहा है फिर से ऊपर चढ़ गया हाँ यहाँ पे मैं पढ़ता था सिद्धार्थ पूछ रहा है अब कहाँ जाए मैंने कहा रुको ना सब्र करो रुको भाई तू तो खत्म तेरा खेल खत्म रुको बंद भी है के गेट खोलो हम आ चुके हैं हम नहीं आ चुके गेट मत खोलो दरवाजा खोलो गेट मत खोलो दरवाजा खोलो ये देखो गाइस हम पकड़ने जा रहे हैं बच्चों लोगों को भागो एक पकड़ा गया एक दूसरा वो भागे से दीपू घर पर आए घर पर खेलते बाहर नहीं आ जल्दी आ वन टू थ्री अब तुम ये ब्लॉग बना रहे गाइस ये देखो और गाइस अभी घर पर आ चुका तो कुछ बच्चों से कहला कि आपको दिखाया था गुरुद्वारा और टैंकी गाइस हमारे गांव की न्यू बनी थी और गाइस यही दिखा सकता हूँ मैं अभी इस अंदर क्योंकि ये अब बंद हो चुके हैं अभी मैं गेट के बीचों बीच खड़ा हूँ और गाइस एक अच्छी सी बात बताऊं क्या हो रहा है ये देखो चलो गाइस ब्लॉग एंड करता हूं मैं गाइस दोबारा से कर दिया चुप कर चलो गाइस ब्लॉग एंड करता हूं मैं आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब ठोक कर जाना तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर देखना।